आप सभी का स्वागत है रविजन फार्मिंग लीडर में। मैं रवि त्यागी, आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरे सभी किसान साथियों को मेरा राम राम। तो किसान साथियों, आज आ गया हूं मैं हरियाणा में, जिला फरीदाबाद में, गांव खेड़ी, जहां राहुल जी और नरेंद्र जी कर रहे हैं कड़कनाथ का पालन। तो उनसे जानते हैं कड़कनाथ क्यों खास है। किसान भाइयों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। राहुल जी, नरेंद्र जी, हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रविजोन फार्मिंग लीडर में। आपका भी स्वागत है हमारे। आपने आज हमें हरियाणा बुलाया, बहुत अच्छा लगा। आपके फार्म पर आए और यहाँ का जो एनवायरनमेंट और यहाँ का मौसम, पूरा सिस्टम देखने के बाद में बहुत ही मन खुश हो गया। तो आप पहले तो ये जगह और ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह आपका फार्म है, उसके बारे में बताएं। सर, ये हरियाणा में फरीदाबाद आता है जी। फरीदाबाद में नहर पार खेड़ी गांव आता है। अच्छा, खेड़ी गांव। हाँ जी जी। खेड़ी गांव में ये अंदर जाके खेतों में का एरिया है और हमने यहाँ लेने का हमारा मेन मकसद ये था कि हमारे को कड़कनाथ ही करना था जी। और कड़कनाथ को एक जंगल के एनवायरमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे ये अच्छा पले और स्वस्थ रहे जी। तो इसलिए हमने ये जगह को चुना कि यहाँ पे ट्रैफिक ना के बराबर है, कुछ नहीं है, यहाँ बहुत ही खुला मौसम है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली है, सभी कुछ बहुत अच्छा। तो राहुल जी, अब सवाल ये आता है जी कि आप एकदम से जो है शहर में रहते हुए जी, और फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? सर, अभी हमारा मायापुरी में ऑफिस है जी, जो हमारे दो और पार्टनर हैं बड़े भाई से, वो देखते हैं उस काम को जी। हम भी पहले वहीं थे, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा बात होती रहती थी, चारों बैठते थे जब। हाँ, मतलब ये है कि आप जो है उधर बिजी थे जी, एक भागदौड़ वाली जिंदगी में जी। ऐसा क्या हुआ कि आप ये कड़कनाथ और ये तुम्हारा मोटा रेत जी और इधर जंगल और ये सब इन्वायरमेंट, कैसे मतलब इस चीज से एकदम से कैसे प्यार हुआ? सर, एकदम से नहीं, एक्चुअली मेरा तो बचपन से ही लगाव रहा है। मैं मेरे मामा जी के घर की साइड जाता था, जब उनके घर जाता था तो वहाँ पे काफी खेत है, आउटर दिल्ली में उनका घर पड़ता है जी जी। तो अक्सर वो दो महीने की जब छुट्टियां होती थी जब मैं छोटा था, तो उस टाइम को काफी इंजॉय करता था। हाँ, तो मामा के घर जाके बहुत तफरी की है छुट्टियों में जी जी जी। तो वही याद करने के लिए पूरी गर्मियां जो है वो खेतों में निकाल देते थे, बिल्कुल बिल्कुल, और रेत में। मतलब ये है कि पता लगा भागते भागते धूम में वो गर्मियों में आंखें भी आ गई जी जी जी, बिल्कुल। तो बस वो चीजें अंदर थी मेरी। तो खैर, दो पीढ़ियों ने खेती नहीं करी है, मैं बेसिकली साउथ दिल्ली से बिलोंग करता हूँ जी जी। तो अंदर से यही जुनून था कि यार खेती करनी है, खेती करनी है। अच्छा, तो खेती में कुछ ना कुछ एलाइड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का काम करना। तो अभी हमने ट्रेडिशनल खेती ना करके कुछ उससे हटके करना है। हाँ, और ट्रेडिशनल में भी अगर हमें करना है तो अभी हम अगर उस पर भी आगे फर्दर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वो हम ऑर्गेनिक ही तरीके से करेंगे। हम जितने भी फर्टिलाइजर हैं वो ऑर्गेनिक यूज करेंगे अपने बना के, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, बट वो थोड़ा सा भी आगे का प्रोसेस है। फिलहाल हमने इसको इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि इस की ना मेडिसिनल वैल्यूज बहुत अच्छी हैं कड़कनाथ की जी। और कहीं ना कहीं अगर लोगों को देनी है, शहर के लोगों को, तो सेहत दें हम गाँव में आके, बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो अंडा है उसकी भी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी अच्छी है, उसके अंदर वो फैट फ्री है ऑलमोस्ट, और एक हार्ड पेशेंट भी उसको खा सकता है, इस मुर्गे को भी खा सकता है, बिल्कुल। तो इसका जो चिकन है ना, उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा लगभग ना के बराबर है, 0.73 से लेके 1.03% ही कोलेस्ट्रॉल है। तो ये तो राहुल जी हो गई वो कड़कनाथ की विशेषताओं की बात जी। लेकिन अब एक चीज आती है कि आपने ये किया काम जी, और इसे काम करने में और इस एनवायरनमेंट में रहने में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर देखिए, दिल्ली में जो कंक्रीट के जंगल है ना, बिल्कुल, उनसे कहीं ना कहीं यहाँ का वातावरण अगर आप देखें तो बिल्कुल उलट है, बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो सुकून शांति है वो वहाँ बिल्कुल नहीं है, दौड़ भाग वाली जिंदगी है वहाँ पे, हर आदमी दौड़े जा रहा है, भागे जा रहा है, सुकून और शांति नहीं मिलेगी। यहाँ आप आए, एक घंटा बैठे, सुकून और शांति मिलेगी आपको। तो राहुल जी, जैसे आप जैसे कॉरपोरेट जगत के लोग जी यहाँ हमारे खेतों में, हमारे जंगलों में आ गए हैं, तो क्या कुछ किसान भाइयों का आपसे कुछ भला होगा कि वो अगर आपकी जो ट्रेडिशनल खेती से हटके जो ये फार्मिंग कर रहे हो आप, तो क्या उनके लिए भी आपने कुछ सोचा है? हाँ सर, देखिए, मेरा तो शुरू से ये मानना रहा है कि खेती जो है वो हमेशा ही मतलब एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है जी। लेकिन क्या है कि किसान को मार्केटिंग नहीं आती जी, उसके पास अपनी अच्छी बिजनेस स्ट्रेटजी नहीं होती जी। वो शुरू से लेके अब तक किसान जो है एक अच्छी पैदावार तो पैदा कर देता है,
लेकिन उसको अच्छा रेट नहीं मिल पाता, अच्छा बाजार नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट नहीं आता, और जो प्रॉफिट है वो कहीं ना कहीं आड़ती हो गए और जो बिचौलिए हैं वो ले जाते हैं। तो ये ट्रेडिशनल खेती का है। और जहाँ तक अगर हम बात करें कि अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो उसमें भी ब्रॉयलर है, तो ब्रॉयलर में भी ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ पे भी किसान रेट तय नहीं करता। बिल्कुल, बिल्कुल। इस काम में सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारा माल है, हम रेट तय करेंगे। अच्छा अच्छा। हमारी मार्केट है, हम अपनी मार्केट बनाएंगे, स्लोली ग्रोथ करेंगे, ठीक है, लेकिन अपने माल के रेट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अपने जो है माल के जो है हम खुद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये नहीं है कि हमने तैयार किया और यही बात दूसरे के हाथ में दे। जी बिल्कुल, यही बात हम आगे बाकी लोगों को भी बोलेंगे कि देखिए आप भी रेट अपना खुद अपने हाथ में रख, क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि ये 40 दिन 45 दिन बाद खराब हो जाएगा। तो कोई भी चीज आप चुने वो ऐसी चुने जिसके ऊपर आपकी डिपेंडेंसी खुद पे हो। अगर आप उसको कुछ दिन होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर सके। बाजार के रेट के ऊपर अगर आप नहीं बेचना चाह रहे हैं, आप ना बेचें, आप अपनी मार्केट बनाएं। जो खासकर बड़े शहर हैं उनके आसपास को जो एरिया है, उन किसानों के पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जैसे अब हम यहाँ आके बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में, तो वो तो कम से कम पहले इस बारे में पहल करें। तो नरेंद्र जी, जैसा कि राहुल जी ने बताया कि अब आप जो है इस खेल में आ गए, हाँ जी, तो आपने ये कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था? सर हमें ये, हमने जो प्लान बनाना शुरू किया जी, तो हम बैठ के देख रहे थे, हमने ब्रह्मांड पूरा किया। हम पंजाब साइड गए, हरियाणा साइड गए, और वहाँ पे प्लानिंग करी, सोचा कि हम क्वालर से शुरू करें या बटेर, हमारे दिमाग में एक आया। बिल्कुल। फिर जब ये सारी चीज़ें हुई तो फिर लास्ट हमने कहा नहीं, कड़कनाथ इज़ बेस्ट, क्योंकि डॉक्टर भी जैसे इसे रिकमेंड करता है और ये मतलब सेहत के लिए बेटर है ये चीज़ें। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि आपने कड़कनाथ के लिए ये वो किया, तो अब आपने जब इसमें इन्वेस्ट किया तो आपने कितना इन्वेस्ट किया और कितनी वर्ड से स्टार्ट किया ये? सर ये हमें हमने जो स्टार्टिंग वर्ड्स डाले थे वो हमने तकरीबन 300 वर्ड्स डाले थे स्टार्टिंग में। हाँ जी हाँ जी, उसके बाद मंथ बाय मंथ हमने इसको बढ़ाते चले गए। अच्छा, राइट नाउ आज की डेट में हमारे पास ये 1500 बर्ड्स हैं जी, और हमारी अपनी हैचरी है जिसमें हम अपने चिक्स लेते हैं, और चिक्स भी हम हैचरी में, जैसे बाकी हैचरी का अगर आपने सुना होगा तो वो सारे अंडे डाल देते हैं। अच्छा, हम इसको 45 ग्राम से नीचे का एग हम अपनी हैचरी में नहीं डालते। हाँ, मतलब जिससे जिससे जो चूजे जो हैं वो जो हो निकले, चिक्स निकले, उनकी जो हेल्थ है वो पहले डे वन से ही थोड़ी अच्छी हो, और जो भी हमसे चिक्स लेके जाएगा उसके लिए बेटर रहे कि उसे मॉर्टेलिटी ना के बराबर रहे उसके। अच्छा, लिए अच्छा। तो जैसा कि मैं आपसे पूछ रहा था कि आपने इसमें टोटल जो खर्च किया है तो कहीं तक कहाँ कितना इन्वेस्ट किया? देखिए इन्वेस्टमेंट का ये था सर कि ये हमने खुद ही बनवाया अपना, पीछे अगर आप देख रहे हो जी जी, एंड ये फार्म हमने लिया है, फार्म जो है वो हमने ये रेंट पे ही लिया था। अच्छा। हमारे जानकार ही हैं, भाई साहब ही हैं हमारे। बिल्कुल, तो और उसका ऐसा ज़्यादा रेंट नहीं है, मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि इतना एक एकड़ की ज़मीन हमें दी थी उन्होंने और हम इसे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा। एंड तकरीबन हमारा 5 लाख के करीब स्टार्टिंग में लगा था, स्टार्टिंग में लगा। जिसमें हमने ये अपना इन्वेस्टमेंट वगैरह डाला, लेबर रूम वगैरह, हाँ जी हाँ जी, 5 रूम वगैरह सब बनाए, 1 लाख एक्स्ट्रा लगा होता, मतलब ये सारा मिला लीजिए, जो स्टॉक वॉक भी हमने जो लिया और वो सारी चीज़ें मिला के हमारा इतना 5 से 6 लाख रुपए के करीब लगा। अच्छा, इतना आपने इन्वेस्ट। तो राहुल जी, जी जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया कि आपने इसमें इतना पैसा लगाया, अब जैसे ये इतना पैसा लग गया और आपका फार्म ग्रोथ कर रहा है और वर्ड्स भी बड़े हो रहे हैं जी, तो अब आप माल की सेल कर रहे हैं और उसमें एग भी बेच रहे हैं आप, और जो आप चिकन भी पूरा तैयार करके बेच रहे हैं जी, और जो हैचरी हो गई है आप चूजे भी बेच रहे हैं जी, तो आज आप इसके प्रॉफिट को क्या मानते हैं, कितना प्रॉफिट कर रहे हैं आप? सर देखिए, खुश हैं उस प्रॉफिट से? जिस तरह से हमने स्टार्ट किया था जी, 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 और अभी जिस तरह से हमारे पास जितने बर्ड्स हैं जी, और जितने टाइम हमें हुआ है, अभी हमें लगभग 8 महीने हो गए हैं इसको रन करते हुए। जैसा कि नरेंद्र जी ने बताया कि 6 महीने हमने पहले इस पे काफी दौड़ भाग की जी, जी, और 8 महीने अब हमें इसको रन करते हुए हो गए जी, जी, तो पिछले 14 महीने का जो रिजल्ट है उससे हम काफी सेटिस्फाइड हैं यहाँ पे, और सेटिस्फाइड होने सिर्फ पैसे से नहीं है, जो काम कर रहे हैं, जो काम चाहते थे एक्चुअल में, जिस जगह आना चाहते थे उस जगह आ गए हैं, बाकी अब काम तो यहाँ से और आगे आगे बढ़ता ही रहेगा सर, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब ये तो आपकी सक्सेस की जानकारी हुई जी, अब सवाल ये आता है कि जब आप सक्सेस हो गए हैं तो मोदी जी जो किसान और बेरोजगारी को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कोई बेरोजगार आदमी है तो उसके लिए कड़कनाथ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
कि अगर वो कोई काम करना चाहे? सर कड़कनाथ कोई भी कर सकता है, जो भी किसान है जिसके पास अपनी थोड़ी जगह भी है, अगर 100 गज जगह भी है तो उसमें भी कर सकते हैं, अगर एक छोटा सा भी इनके लिए शेड बना दिया जाए। बाकी तो जैसा आप देख रहे हैं बाहर है, बाहर इनको खुले में अगर स्पेस है उनके पास तो आप खुले में भी रख सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। रात में या किसी जानवर से बचाने के लिए, बिल्ली कुत्ते से, तो उसके लिए आपको शेड की जरूरत पड़ेगी। टेम्परेचर जब थोड़ा सा डाउन हो जाता है तो इनको मेंटेन करने के लिए तब शेड की जरूरत पड़ेगी। बाकी तो ये बाहर जैसे बिल्कुल नेचर के क्लोज रह के पलते हैं। और जहाँ तक सवाल है हमारे किसान भाइयों का, तो ये है कि 200 चिक्स लेके शुरू कर सकते हैं। अच्छा। 200 चिक्स शुरू में लें, उनको पालें, बड़ा करें, ज्यादा बड़े प्लेटफार्म पे एकदम जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, मतलब पहले जो है छोटे से काम को स्टार्ट करें, शुरू करें, खेल को समझें कि ये खेल क्या है। और ये साइड बाय साइड बिजनेस है सर, जो वो काम कर रहे हैं कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। ये उन्होंने अलग से 200 चिक्स ले जाके अपना एड ऑन कर लें कहीं से भी, तो 200 चिक्स अगर वो पालेंगे, एक्सपीरियंस होगा, चीजें होंगी, आसपास में लोग देखेंगे, पूछेंगे, वो उसकी मार्केटिंग पे फिर उसके बाद फोकस करें। इसका अंडा भी अच्छा बिकता है और चिकन तो इसका है ही, बिल्कुल। तो नरेंद्र जी, ये तो आपकी सक्सेस स्टोरी हो गई और आपने सारी अच्छाइयां बताई, लेकिन मेन चीज क्या है कि कोई भी काम है उसमें सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता, बिल्कुल ठीक। अगर कोई नया आदमी काम करने लगे और उसे सब ये लगे कि अच्छा है, तो वो ठीक नहीं होगा, बिल्कुल ठीक। आप ये बताएं कि इसमें जो है दिक्कत परेशानी या इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं? देखिए, जब हमने स्टार्ट किया था इसको, तो जैसे यहाँ पे लाइट की प्रॉब्लम होती थी हमें, और स्टार्टिंग में लाइट 24 आवर्स की हमारे को मिलने में बड़े कष्ट हुआ, तब तक हमारे बर्ड्स जल गए थे, तो उस वो परेशानी का सामना करना पड़ा स्टार्टिंग में हमें। उसके अलावा बाकी गर्मी बहुत हुई थी, तो हमारे जब पहला सीज़न आया तो हमारे को उस समय बड़ी दिक्कत आई कि गर्मी में एक टेम्परेचर इनके लिए थोड़ा मेंटेन करना होता है। बट टचवुड, जो नया एक्सपीरियंस हमारे को इनके साथ रह के मिला, वो ये मिला कि जो ये बर्ड्स हैं, ये इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, और मोर्टिलिटी बहुत कम है। तो ये समझ लीजिए कि ये भगवान ने हमें साथ दिया कि हमारे को कड़कनाथ ही हमने करा। अगर शायद हमने बटेर किया होता तो बॉयलर किया होता तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती और मोर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती। तो आपका कहने का मतलब है कि कड़कनाथ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं? नहीं नहीं सर, ये बहुत स्ट्रांग है, इसको गर्मी सर्दी से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और तभी आप ये समझ लीजिए डॉक्टर इसे रिकमेंड करता है कि आप अगर कड़कनाथ, इवन आपने सुना होगा कि इंडियन टीम के लिए बोला गया था, साइंटिस्ट ने बोला, विराट कोहली अगर ये खाते हैं तो उसकी जो ताकत है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। हाँ, मतलब जो है स्टेमिना जो है स्टेमिना बहुत ज्यादा। तो राहुल जी, नरेंद्र जी, आपने किसान भाइयों को, मेरे कुछ बेरोजगार भाइयों को और कड़कनाथ के चाहने वालों को ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, आपने नरेंद्र जी और राहुल जी को सुना, वो दिल्ली में रहते हुए उन्होंने कड़कनाथ फार्मिंग की और अपनी कामयाबी की बात और वो कहानी आपको सुनाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को जरूर दबाएं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रवि त्यागी, रवि जॉन फार्मिंग लीडर से।